हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M31S के प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें मैं आपको रीज़न टू नॉट बाई गैलेक्सी M31S बताऊंगा और साथ में इसके स्पेसिफिकेशन और इसके बेस्ट फीचर्स को भी आपको बताऊंगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस स्पेसिफिकेशन की बात करूँ गाइस, तो इस फ़ोन में आपको सबसे जो हाईलाइटेड फीचर है कुछ 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। साथ में अगर डिस्प्ले की बात करेगा इस, तो डिस्प्ले 6.50 इंच का एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग इसी नाम से फेमस है पूरे इंडिया में, क्योंकि इनका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो डिस्प्ले है गाइस वो मिडिल पंच होल डिस्प्ले है गाइस, जिसमें फ्रंट में मिडिल 32 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेम गाइस गैलेक्सी A51S का जो डिस्प्ले है गाइस सेम वैसा ही दिखता है। और अब बात करते हैं गाइस इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलने वाला है वो है सैमसंग का एक्जेनस 9611। और साथ में रैम मैनेजमेंट की बात करें गाइस, तो इसमें 6 GB रैम और स्टोरेज 128 GB से इसका स्टार्ट है। साथ में 8 GB और 256 GB का आपको देखने को मिलेगा वेरिएंट। और अगर बात करें गाइस इसके एंड्रॉयड की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन 1080x2400 pixels आपको देखने को मिलेगा। कैमरा गाइस रियर कैमरा की बात करें गाइस, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मेन कैमरा है गाइस, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिलेगा। जो दोनों कैमरा है गाइस वाइड एंगल और मेन कैमरा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। बाद में फिर आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, जो दोनों भी ठीक ठाक है गाइस डिसेंट। और प्राइस की बात कर लेते गाइस, ये फ़ोन 19499 से स्टार्ट होता है। तो अगर प्रोसेसर की बात करें गाइस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोसेसर। इसमें आपको एक्जोनस 9611 ही देखने को मिलता है, जो कि गैलेक्सी A51 हो या फिर गैलेक्सी M31 हो या फिर गैलेक्सी M31S, सब में गाइस गैलेक्सी जो है, मतलब अभी सैमसंग सिर्फ एक्जोनस 9611 ही दे रहा है सबको। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गाइस इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छे प्रोसेसर्स मिलते हैं, और अगर आपको गेमिंग करना है एकदम प्रो लेवल का, तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और आप हल्के फुल्के एकदम कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए आपको, जिसमें आपको हर चीज़ करना है, मतलब गेमिंग नहीं करना है, ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करना है, सब कुछ करना है, ऑफिस यूज़ थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए है। और अगर आप सैमसंग के लवर हो, ब्रांड सैमसंग को पसंद करते हो, तो फिर आप ये फ़ोन ले सकते हो। और सेकेंड प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ गाइस, कि इस फ़ोन जो है गाइस, इसमें आपको जो सैमसंग A51 की तरह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, वो ठीक है साइड माउंटेड फिंगर मिलता है, कोई बात नहीं है। पर गाइस इसमें आपको जो ये फ़ोन है बहुत ज़्यादा मोटा मिलने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा बल्की फील होगा और बहुत ज़्यादा भारी भी फील होगा, क्योंकि 6000 mAh बैटरी है गाइस और बल्की भी फील हो रहा है। लुक वाइज बात करें तो गाइस एकदम डिसेंट सा लुक है, बस थोड़ा सा टू कलर का कॉम्बिनेशन इसमें लगा दिया गया और शाइनिंग है। और बैक में गाइस ग्लास भी आपको देखने को नहीं मिलता, तो ये एडवांटेज हो गया। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है गाइस प्रोसेसर से और कैमरा की बात करें गाइस, तो एम सीरीज़ का कैमरा अच्छा नहीं होता, बल्कि कोई भी सेंसर यूज़ कर लो, 64 का कर लो, 12 मेगापिक्सल का कर लो, पर गाइस मैंने M31 देखा, उसका भी स्टेबलाइजेशन था जो वीडियो को वो अच्छा नहीं था बाकी और फ़ोन के मुकाबले। पर गाइस अभी बोल रहे हैं कि सोनी का सेंसर इसमें यूज़ हुआ है, तो ये शायद हो सकता है कि इसका कैमरा अच्छा हो। वही बात करें गाइस अगर इसके स्क्रीन रिफ्रेश रेट की, तो गाइस इस प्राइस रेंज में 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी हमको देखने को मिलता है, जो कि पोको X2 में आपको मिलेगा। तो गाइस इस प्राइस रेंज में क्यों नहीं मिला, ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है गाइस। आप दो एक साल भी फ़ोन यूज़ करोगे, 6 महीना बहुत अच्छे से यूज़ करोगे, तो फिर तो आपका फ़ोन स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्मूथनेस नहीं मिलेगा, फिर क्या मतलब। 90Hz का रिफ्रेश रेट तो होना ही चाहिए था गाइस, क्योंकि इस प्राइस रेंज में रियलमी हो जाए, कोई भी हो जाए ब्रांड, सब अभी सब 90Hz का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं, पर सैमसंग ने ऐसा क्यों नहीं किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। और सीधी बात है गाइस, अगर आप ब्रांड को पसंद करते हैं और आपको नॉर्मल यूज़ करना है, ऑफिस यूज़ करना है, आपको कोई भी हैवी यूज़ नहीं करना है, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए है। और आपको 4-5 दिन फ़ोन चलाना है बिना चार्ज किए, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए है। और अब बात करते हैं गाइस इस फ़ोन के जो फीचर्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं इस फ़ोन को। तो सबसे पहले गाइस जो कैमरा में इसमें फ़ीचर्स मिलता है, जिसमें आप फ़ोटो कैप्चर करते हो या फिर स्मॉल वीडियो बनाते हो, तो आपको ऑटोमेटिक फ़ोटो और जो भी अलग अलग टाइप के वीडियोस आपको शो कर देता है, वो एक अच्छा फीचर है गाइस इस फ़ोन का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उससे अच्छा फीचर इसमें ये है गाइस कि इसमें आपको 25 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि जल्दी चार्ज करेगा। साथ में C2C केबल मिलेगा, और वहीं गाइस C2C केबल इसलिए क्योंकि आप इसको पावर बैंक की तरह यूज़ करते हो, जैसे अगर आपको किसी और का फ़ोन चार्ज करना है, तो आप इसके थ्रू आराम से किसी और का फ़ोन चार्ज कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात हो जाती है इस फ़ोन की। बाकी गाइस प्रॉब्लम सिर्फ 2-3 ही है इसमें, कि इसमें आपको प्रोसेसर अच्छा नहीं मिलता, और थोड़ा सा ये हैवी है, लाइट वेट होना चाहिए था थोड़ा सा, और साथ में जो
गाइस जो बल्की फील होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर गाइस अभी जो फ्रेम है इसका नया उसमें फ्रेम शो करता है। इसके पहले वाले जो भी 30M सीरीज़ के जो फ़ोन थे उसमें पूरा पैक आता था पीछे से, जो बॉडी है आप देख सकते हैं स्क्रीन में, पर अभी जो है फ्रेम टाइप का लुक है, मतलब फ्रेम अलग से और बैक का जो बैक कवर है वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो गाइस वीडियो हो जाता ख़त्म, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना साथ में।